शुद्धं पड़मीय जिणिंदवर्णेमि चंदमकलंकं गुडरयणभूषणुदयं जीवस्वपरूवणं वोच्यं। गोमठ सार जीव कांड ग्रंथराज में आप लोगों ने जीवों के बारे में जानने के लिए जो जीव समास थे, योनि स्थान थे, वेदों का ज्ञान था, अवगाहना का ज्ञान था, ये सभी जान लिया है। इसी में एक अंतिम चीज़ और शेष है जिसका नाम कहा जाता है कुल कोटि। क्या बोलते हैं? कुल कोटि। इससे लोग तब परिचित होते हैं जब कभी कभी लोग, श्रावक लोग भी एक 24 ठाणा ग्रंथ है उसको पढ़ते हैं। पढ़ा है कभी आप लोगों ने? नाम सुना है। तो 24 ठाणा ग्रंथ में ये कुल कोटि दिए रहते हैं, मतलब किस इंद्री के साथ में कितने कुल कोटि होते हैं। जैसे योनियों के बारे में 84 लाख योनियों के बारे में ज्ञान दिया जाता है, ऐसे ही कुल कोटि के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है। तो ये जैन दर्शन के ऐसे सूक्ष्म विषय हैं जिनको हम केवल शास्त्रों के माध्यम से ही जान सकते हैं, और इन विषयों का ज्ञान होने पर ही हमारे अंदर जीवों का कहाँ पर उत्पत्ति होती है, कहाँ पर जीवों की संभावना होती है, ये सब ज्ञान आ जाता है। तभी हम कुछ अहिंसा और दया के भाव में आ पाते हैं। तो ये मूलाचार आदि ग्रंथों में भी ये बताया जाता है कि जब तक हम जीवों के ये मार्गणा स्थान, उनके ये कुल कोटि, उनके योनि स्थान, उनके जन्म इत्यादि के बारे में सही ढंग से नहीं जानते, तब तक हम अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। तो अहिंसा का पालन एक तो स्थूल रूप से होता है जो सभी लोग कर लेते हैं, सभी लोग को जो जीव दिखने में आते हैं उनको जीव समझ लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में जीवों का सूक्ष्म विज्ञान है वो हमें जैन दर्शन को पढ़ने से समझ में आता है। तो जो लोग इस तरह से ये जीव कांड आदि के माध्यम से जब जीवों के ज्ञान कर लेते हैं तो उनके लिए ये विचार रहता है कि इसमें भी जीवों की उत्पत्ति हो सकती थी, इसमें भी जीवों की अवगाहना किसी रूप में हो सकती थी, इसमें भी जीवों का जन्म किसी भी रूप में हो सकता था, होता है, तो उन चीज़ों की विराधना करने से बचते हैं। तो यही आचार्यों ने कहा है कि जब तक हम ये सब जीवों के योनि स्थान, कुल कोटि इनको नहीं जानेंगे तब तक हमारे अंदर दया का भाव भी नहीं आएगा, क्योंकि हम अगर केवल दृश्य जगत में जितना हमें दिखाई देता है उतना ही हम समझेंगे और उतना ही जानेंगे और उतना ही मानेंगे तो ये हमारी बड़ी स्थूल दृष्टि होगी, और ये दृष्टि तो सभी के पास हो जाती है। जो दिख रहा है उसको तो सभी जानते हैं, जो नहीं दिख रहा होता है उस पर भी श्रद्धान करना और उसको भी मानना ये तभी होता है जब हमें इस तरह का कोई ज्ञान मिले। तो ये जो कुल कोटि का ज्ञान है, और इससे पहले जो योनि का ज्ञान दिया गया था, ये ज्ञान ही हमें दया धर्म की ओर इंगित करता है। एक दोहा भी आता है कि दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोई। क्या कहा? दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोई, और जीव जाति जाने बिना दया कहां से होए। यानी जीवों की जाति का मतलब दो प्रकार से होता है, एक तो जीव किस जाति का है, माने एक इंद्री, दो इंद्री, ये ना तो हम जीवों की जाति जानते, ना हम जीवों के कुल जानते, ना हम जीवों का समूह कहां कहां पर उत्पन्न होता है ये जानते, तो दया कहां से होए। तो वास्तव में अगर हम दया भी करना सीखेंगे तो भी हमारे लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। तो ये कुल कोटि और योनि, इन दोनों में अंतर यह है कि योनि का मतलब होता है जीव की उत्पत्ति का स्थान, और कुल कोटि का मतलब होता है कुल। कोटि तो करोड़ के अर्थ में हो गया, कोटि माने करोड़, शब्द तो मूल रूप में कुल है। अब चूंकि वो सारे कुल करोड़ के साथ संबंध रखते हैं इसलिए उसको कुल कोटि कहा जाता है। तो कुल का मतलब ये होता है
कि जो जीव का जन्म हो रहा है और जन्म के योग्य जो उसका शरीर बनता है, वो शरीर संबंधी जो पुद्गल वर्गणाएं होती हैं वो सबकी भिन्न भिन्न होती हैं। तो वह पुद्गल वर्गणाएं कितने तरीके की हो सकती हैं या उन पुद्गल वर्गणाओं की भिन्नता कितने प्रकार की हो सकती है, ये बताने के लिए कुलों का ज्ञान किया जाता है। समझे? कुल का मतलब क्या हो गया? जिससे हमारा शरीर बनता है उन नौकर्म वर्गणाओं की जो भेद भिन्नता है उसको कुल कहते हैं। तो शरीर के बनने योग्य जो वर्गणाओं की भेद भिन्नता है वो हमारे लिए वो भी दिखाई नहीं देती है। अलग अलग शेप तो दिखाई देती है लेकिन हमें कभी भी किसी की शरीर की वर्गणाएं की पहचान नहीं होती है। तो वो केवल हमें बस इससे ज्ञान ही होगा, हम इसको अलग से समझ नहीं पाएंगे कि ये इतने प्रकार के शरीर हैं। वो हमें केवल इससे ज्ञान ही मिलेगा और वो इसी के माध्यम से हमको बस जानने में आएगा कि ऐसी पुद्गल वर्गणाओं की सूक्ष्मता का वर्णन, जो पुद्गल वर्गणाएं केवल सर्वज्ञ भगवान के द्वारा देखी जाती हैं या कोई अवधि ज्ञानी के द्वारा देखी जा सकती हैं, वो हमें उनमें जो भिन्नता है वो हमें यहाँ पर कुल के माध्यम से बताई जा रही है। तो ये कुल का मतलब होता है कि हम जो शरीर है और उस शरीर के बनने योग्य जो पुद्गल के स्कंद हैं, उन स्कंदों में से मिलकर के जो ये वर्गणाएँ बनी हुई हैं उनमें जो भिन्नता है उसको जानने के लिए कुलों का उपयोग किया जाता है। तो ये कुल और अच्छे ढंग से समझने के लिए आचार्य कहते हैं कि अगर हम इसी को जाति के भी भेद कह दें तो भी कोई अन्योक्ति नहीं होगी। यानी एक इंद्री है कोई जीव, एक इंद्री की अनेक जातियां हैं। तो एक इंद्री जाति में जैसे मान लो बट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है। अब आपको वो सब वृक्ष एक जैसे दिखाई देंगे, आप कभी अंतर कर पाओगे बट के वृक्ष में इसमें और उसमें क्या अंतर है, या आम के पेड़ में इसमें उसमें क्या अंतर है? अगर कोई अंतर दिखेगा तो आपको ऊपर वाला दिखेगा कि इसमें कम पत्ते हैं या इसमें कम फूल हैं, इसमें ज़्यादा कम फूल हैं, ज़्यादा पत्ते हैं, ये तो अंतर दिख सकता है। लेकिन वैसे जो उसकी भिन्नता है, जो उसके स्कंद बना हुआ है, पुद्गल वर्गणाओं की जो भिन्नता है, वो भिन्नता आपके ज्ञान में नहीं आएगी। तो उसी भिन्नता का नाम कुल कहलाता है। समझ आ रहा है? आप देखोगे कि जैसे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा उदाहरण है इसको समझने के लिए कि जैसे बंदर है, आपने बंदर को देखा और बंदर ने आपको देखा। समझ आ रहा है? आप जब भी बंदर को देखोगे तो बंदर आपको सब एक जैसे लगेंगे। समझ आ रहा है? चाहे लाल मुंह वाला हो चाहे काला मुंह वाला हो, आप बंदरों को देखोगे तो बंदर सब आपको, जबकि वो सब अलग अलग हैं। उनका कोई उनका बच्चा है, कोई उनकी माँ है, कोई उनका पिता है, कोई उनके परिवार का है, सब अलग अलग हैं और वो सब पहचानते हैं ये हमारी बिरादरी का है कि नहीं है, इसे हमने अपनी जाति से बाहर निकाला था। ऐसा भी होता है, बंदर अपनी जाति से बाहर निकाल देते हैं तो वो पहचानते हैं कि वही बंदर है जिसको मैंने अपनी जाति से बाहर निकाला था, या ये हमारे परिवार में इस रूप में है। तो ये पहचान उनको हो रही है, आपको नहीं हो रही। समझ आ रहा है? और ठीक यही सेम आपके लिए उनके साथ होता है। समझ आ रहा है? वो जब आपको देखेंगे तो वो सब क्या देखेंगे? सब ये सब एक जैसे आदमी है। तो जो अंतर आप समझ सकोगे कि ये हमारा बेटा, ये हमारी माँ, ये हमारी पत्नी, ये जो अंतर है वो उनको समझ नहीं आएगा, उन्हें तो सब क्या है, एक जैसा दिखता है। समझ आ रहा है? इसी तरीके की जो ये भिन्नता है, ये भिन्नता किसी को ग्रहण करने में तो आ रही है, ये जो भिन्नता है ये शरीरगत पुद्गल वर्गणाओं की, इसी को कुल कहा जाता है। ऐसा समझ सकते हो मोटे रूप में। समझ आ रहा है? यानी कि जैसे अलग अलग तरीके के वृक्ष हो गए, एक इंद्रियों में, दो इंद्री में जैसे शंख है, सीप है, अब ये सब आपको एक जैसे लगेंगे। जब भी आप कोई भी शंख देखोगे, सीप देखोगे, छोटा बड़ा होना अलग बात है लेकिन वैसे सब आपको एक जैसे लगेंगे। उनमें जो अंतर है, उनके जो शरीरगत उनकी पुद्गल वर्गणा में जो अंतर है उसी का नाम कुल है। चींटियां हैं,
सैकड़ों हजारों चींटियां होती हैं, आपको सब एक जैसी लगेंगी, चींटी मंत्र संकल्प पाओगे? अगर कोई चींटी आपको छू करके गई है और आपके आपने जो है फिर दूसरी चींटी को देखा तो आप पता कर पाओगे ये चींटी मुझको छू करके गई थी? समझ आ रहा है? जबकि चींटियां हैं, हजारों चींटियां हैं, तो वो सब एक तो नहीं है, आपको एक जैसी लग रही है लेकिन उनमें अंतर होता है। मच्छर हैं, समझ, सब में ही है, तीन इंद्री चींटियां हो गई, चार इंद्री मच्छर हैं, भौरे हैं, पतंगे हैं, आपको सब एक जैसे लग रहे हैं लेकिन उन सब में, उनके शरीर में, उनके द्वारा जो भी पुद्गल वर्गणाओं को अपने योगों से इकट्ठा किया गया उसमें जो अंतर है उसी का नाम क्या है? कुल। तो ये तो कहलाता है कुल। और ऐसे ही पंचेंद्र जीवों में जो आपको बंदर इत्यादि उदाहरण देकर के बता दिया, मनुष्यों में भी इसी तरीके से होता है, देवों में भी होता है, नारकियों में भी होता है। तो ना तो सब देवों का शरीर एक ही तरीके का होता है, ना तो सब नारकियों का होता है, ना मनुष्यों का होता। तो ये जो अंतर आ रहा है इसी अंतर को यहां कुलों की संख्या से समझाया जाता है। अगली बात समझ में? और योनि स्थान क्या हो गया? वो उनकी उत्पत्ति का स्थान, वो उसमें अंतर है। यानी एक आधार कहलाता है, एक आधेय, आधार आधेय संबंध बोलता है। आधार का मतलब जिस आधार पर जो चीज रहती है या उत्पन्न होती है उस आधार को, एक तो बेस हो गया और एक उस पर बेस पर जो है रहने वाली चीज हो गई, तो इन दोनों में जो संबंध है उसको आधार आधेय संबंध कहा जाता है। समझ आ रहा है? जैसे आपने घड़े में पानी रखा तो घड़ा क्या हो गया? आधार। और पानी क्या हो गया? आधेय। ठीक है ना? ऐसे ही मनुष्य उत्पन्न हुआ कहां पर? योनि स्थान पर। तो योनि हो गई आधार और जो मनुष्य की उत्पत्ति हो रही वो हो गया आधेय। तो इन दोनों में अंतर है। तो पहले बताया गया था योनि स्थान, अब बताया जा रहा है यहां पर कुल, कोटि इसका नाम है। कोटि माने वह संख्या करोड़ों में है, इसलिए उसको कुल कोटि कहते हैं। वैसे तो वो केवल कुल है। तो इस तरह से ये समझ लेना कि कुल का मतलब क्या होता है ना? अब जैसे कुल तो जैसे मनुष्य में देखा जाए एक कुल हो गया, जैसे जाति की अपेक्षा से देख लो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये चार जातियां थी, यही अभी भी हैं, इन्हीं को कुल मान लो। क्षत्रिय जैसे कुल हो गया, तो अब उस क्षत्रिय कुल में क्या सभी क्षत्रिय एक जैसे हैं? उनमें जो भेद है उनके जो शरीरों में वो कहलाएगा उस कुल का भेद, वो कुल का प्रकार। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से जैन जैन मान लो, जैन भी एक कुल मान के चलो, तो जैन क्या सब एक हैं? तो शरीर भी उनके अलग अलग जो वर्गणाओं से बने हुए हैं उससे जो उनमें भिन्नता आ रही है वो उस कुलगत भिन्नता है, वही कुल यहां पर अलग लिखा जाएगा। समझ आ रहा है? मनुष्य एक कहने से मनुष्य एक कुल हो गया, लेकिन मनुष्य भी एक नहीं है, सबकी शरीर की वर्गणाओं और उनके पुद्गलों का अलग अलग तरीके का उनकी क्वालिटी है, तो उसके कारण से जो भेद आया इसका नाम है कुलों का भेद। ठीक है ना? अब यहां आपको इन गाथाओं में केवल संख्या बताई जा रही है कि इन इंद्रियों में या इन जीवों के इनके इतने कुल होते हैं, इनके इतने कुल होते हैं। तो अब समझ लेना कि कुल का मतलब यहां क्या बताया जा रहा है, इतने करोड़ इनके कुल होते हैं। ठीक है ना? तो अब यही कुल कोटि का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, गाथा नंबर 113। बावीस सत्तिय सत्तय कुल कोड़ी सय सहस्य ही नेया पुड़ विदगा गड़ी वाउ कायाण परिसंखा। देखो अब यहां पर परिसंख्या माने इनकी केवल संख्या बताई जा रही है, कितनी की? नीचे जो लिखा हुआ है पुड़वी, पुड़वी माने पृथ्वी है ना, और दग, दग माने उदक, उदक माने जल, अग्नि, अग्नि और वायु कायक, इनकी गाथाओं में, इस गाथा में इनकी संख्या बताई गई है। यानी ऊपर जो संख्या दी हुई है इसको क्रम से लगाते जाना, और इधर जो कुल कोड़ी सह सहस्राई लिखा है, सत सहस्र का मतलब हो जाता है लाख, तो इतने लाख
और कोड़ी माने हो गया करोड़, तो इतने लाख करोड़ इनकी संख्या जानना। क्या जानना? जैसे 22 लिखा है तो इसको पृथ्वी के साथ जोड़ना, यानी पृथ्वी काय के 22 लाख करोड़ कुल होते हैं। कितने होते हैं? 22 लाख करोड़, ये कुल कहलाएंगे। जल काय के 7 लाख करोड़ कुल होते हैं। 7 लाख करोड़, इन्हीं को हम कुल कोटि या कुल कह लेते हैं। और अग्नि काय के 3 लाख करोड़ हैं और वायु काय के 7 लाख करोड़ हैं, ये इनके कुलों की संख्या है। आ गई बात समझ में? अब आप कभी भी पृथ्वी में या जल में या अग्नि में कोई अंतर उनकी वर्गणाओं में समझ नहीं सकते, सिर्फ सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। तो इनके जो शरीर जिससे बन रहे हैं, अग्नि काय का शरीर, वायु काय का शरीर, उसमें भी भिन्नता है, तो वो इतने प्रकार की भिन्नता उनके कुल कोटि के माध्यम से जानी जाती है। ठीक है ना? आगे की गाथा 114। कोड़ी सह सहसाई सतठ नवय अठवी साई, क्या हो गया? बे इंदिय ते इंदिय चौर इंदिय हरिद कायाणम, क्या कहते हैं? कोड़ी सह सहसाई, यानी कोड़ी माने करोड़, सत सहस्र माने हो गया लाख, इतने लाख करोड़, 7, 8, 9 और 28। ये किनके जानने? बे इंद्री माने दो इंद्री के, कितने? 7 लाख करोड़ कुल होते हैं दो इंद्री जीवों के, जो शंख सीप आदि हैं, इनके दो इंद्रियों के कितने करोड़ हैं? 7 लाख करोड़। ठीक है ना? तीन इंद्री के 8 लाख करोड़ कुल कोटि होते हैं। और चार इंद्री के 9 लाख करोड़ कुल हैं। और हरित काय माने वनस्पति काय जीवों के ये 28 लाख करोड़ ये कुल हैं। ठीक है? इसी तरीके से आगे और बताया जा रहा है, अध तेरस बारस दसयम कुल कोड़ी सद सहसाई, जलचर पक्षी चौप उर परिसप्पे सुनव होंती। अब यहां कहते हैं अध तेरस, अध तेरस का मतलब होता है 12.5, और बारस का मतलब 12, 10 का मतलब 10, ये भी इतने लाख कुल करोड़, इतने लाख करोड़ इनके कुल जानने। किन किन के क्रम से नीचे लिखा हुआ है? जलचर जीव, जो जलचर जीव है, यहां पर जलचरों से मतलब जो पंचेंद्रीय जीव हैं, उन पंचेंद्रीय त्रियंच जीवों के लिए विशेष रूप से बताया जा रहा है। तो ऐसे जलचर जो जीव होते हैं उनके भी 12.5 लाख करोड़ कुल होते हैं, है ना? पक्षी होते हैं, इन पक्षियों के भी 12 लाख करोड़ कुल होते हैं। कितने होते हैं? ये पक्षियों के। अब पक्षियों में भी इतने प्रकार की भिन्नताएं उनके शरीर में इस तरह से होती हैं। और चतुष्पय जो चौपाए होते हैं, जिन्हें हम पशु चार पैर वाले जो जानवर हैं, उनके ये 10 लाख करोड़ कुल होते हैं। ठीक है? और उर परिसप्पेसु, उर माने जो छाती से रेंग के चलते हैं, इनके जो है 9 लाख करोड़ कुल होते हैं। ठीक है? फिर आगे और कहा जा रहा है, 56.20 बारस कुल कोड़ी सद सहसाई, सुरने रैयण राणम जहा कमम होंतिने याणी। 6, 5 अधिक 20 माने 20 में 6 अधिक करोगे तो 26 होगा, 20 में 5 अधिक करोगे तो 25 होगा, और 12, इतने लाख करोड़ कुल किन किन के हैं? सुर माने देवों के, क्रम क्रम से लगाओ तो देवों के 26 लाख करोड़ कुल होते हैं। कितने?
26 लाख करोड़ है उन देवों की ये शरीरगत भिन्नताएं हैं, है ना। बाकी सब आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनके जो शरीर बन रहे हैं वो जो वैक्रियक शरीर है, तो वैक्रियक शरीर के भी जो पुद्गल वर्गणाएं हैं उनकी भिन्नताएं उन देवों के लिए इतने प्रकार की बन जाती हैं। नारकी होंगे, नारकी भी एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनके भी शरीरगत नौकर वर्गणाओं की भिन्नताएं इस रूप में होंगी। तो ये भी जो है 20 और 5, 25 लाख करोड़ ये इनके कुल हो गए। ये भी एक तरीके का, ये मोटे मोटे रूप में ही समझना इनको, जो सबसे पहला विभाजन हो सकता है, बाद में तो वो विभाजन कई रूपों में हो सकता है ना। और नराणम मनुष्यों के लिए 12 लाख करोड़ कुल बताए, तो ये भी जो विभाजन है, जैसे 12 लाख करोड़ कहा, तो यह विभाजन जो है एक तरीके से वह शरीरगत जो वर्गणाएं हैं जिनसे शरीर बन रहा है उसी का ये विभाजन है। और ये भी जो है संख्या आपके लिए जो मनुष्यों की संख्या है उसकी अपेक्षा से तो ये कम ही होती है, जो पूरे मनुष्य होते हैं, तो उन मनुष्यों की संख्या में आपको केवल इसमें शरीरगत ऊपरी विभाजन इसको समझना है। जैसे छत्री कह दिया तो छत्री कुल हो गया, लेकिन छत्री में अनेक तरीके के छत्री हैं। पहले मनुष्यों में कह दिया, फिर मनुष्यों के बाद में उसका विभाजन किया तो ब्राह्मण छत्री वैश्य रूप में कर दिया, फिर क्षत्रियों में भी सब तरीके के छत्री हैं, कोई धर्म का पालन करने वाले भी हैं, कोई नहीं भी हैं। तो इस तरह से उनके जो भेद बनेंगे वो भेद अनेक प्रकार के बन सकते हैं। तो यहाँ सब भेदों की गणना नहीं है, यहाँ पर जो है मूल भेद जो होते हैं उनकी गणना की गई है। तो मनुष्यों के यहाँ पर जैसे 12 लाख करोड़ कुल बताए हैं, कहीं कहीं पर इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, 14 लाख करोड़ कुल भी किसी किसी ग्रंथ में लिखे हुए हैं, बस इतना सा ही इसमें अंतर आता है।